टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मैन्यूर्स मैन्यूर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे आर बल्की सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी बट ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी मैन्यूर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल स्किट्रा एंड प्लांट वेस्ट मैन्यूर इंक्लूड फार्म yard manure FIM compost green manures vermi compost etc manure organic substances के रूप में जाने जाते हैं जो complex form होता है नेचर में। तो एक प्रमुख रूप से जब जीव जंतुओं का वेस्ट मटेरियल यूरिन के रूप में फिसेज के रूप में cow dung के रूप में buffalo dung के रूप में ह्यूमन बीइंग के रूप में ये सभी एक पीट में जमा किए जाते हैं फील्ड में और उनका डीकम्पोजिशन होता है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के द्वारा तो ये मैन्यूर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म यार्ड मैन्यूर के रूप में हमारा है FIM के रूप में जो खेतों में बड़े स्केल पर बड़े पैमाने पर हम लोग तैयार करते हैं वेस्ट मटेरियल के द्वारा। कंपोस्ट क्या है, हम लोग जो सब्जियां के रूप में या जीव जंतुओं के मल मूत्र को जो हम लोग डिकम्पोज करते हैं बायोटिक फैक्टर के द्वारा वो कंपोज हमारा कहलाता है खाद के रूप में जाना जाता है। ग्रीन मैन्यूर जैसे एग्जांपल के रूप में प्लांट्स लीव्स के रूप में या हमारा वेजिटेबल पील या फ्रूट पील के रूप में इनको जो हमारे घर से वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलते हैं इनको एक पीट में फील्ड में खेतों में हम लोग गड्ढा कर डाल देते हैं सॉइल को कवर कर देते हैं जो डिकम्पोज होने के कारण वो ग्रीन मैन्यूर कहलाता है। वर्मी फॉर्म कंपोज भी बोला जाता है और वर्मी कंपोज भी बोला जाता है। सॉइल जब प्लाउजिंग करते हैं तो उसमें पोर्स हो जाते हैं जिसके कारण अर्थवर्म बोरोस के अंदर में रहते हैं और ये मिट्टी के अंदर में मौजूद नाइट्रोजन को खाते हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करता है जिसके कारण सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। इसलिए इसे हम लोग किसानों का मित्र बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द फार्मर। अब व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द एडवांटेज ऑफ मैन्यूर एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैन्यूर एंड हियर इज द व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द मैन्यूर फर्टिलाइजर एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन अबाउट एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। द मैन्यूर्स एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स दे रिप्लेनिश द जनरल एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इट कंटेन अ स्मॉल क्वांटिटी। मैन्यूर जो होते हैं वो सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। अगर खेतों में इसकी कमी होती है तो इसको वो इलाज करता है एक कम अमाउंट मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड में हमारा क्या है एडवांटेज, द मैन्यूर ऐड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस टू द सॉइल इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। तो मैन्यूर प्रमुख रूप से जब पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं डेड कर जाते हैं तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के द्वारा वो डिकम्पोज कर मिट्टी में मिल जाते हैं जिसके कारण द कलर ऑफ द सॉइल बिकम्स ब्लैक इट इज नोन एज द ह्यूमस। तो ह्यूमस मिट्टी में मिलने के कारण ये हमारा यहाँ पर सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल के बीच में मिल जाते हैं जिनके बीच में पोरस हो जाता तब परकुलेशन रेट बढ़ता है, रेट ऑफ रिस्पायशन करने की कैपेसिटी बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट में इट प्रोवाइड फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिक कंपोजर्स लाइक बैक्टीरिया फंगी विच हेल्प इन मेकिंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिट्टी के अंदर में जो हमारा डिकम्पोज होता है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के द्वारा ह्यूमस जो रहते हैं तो बैक्टीरिया और फंगस को जो डिकम्पोजर कहलाते हैं उनको भी एक पोषक तत्व मिलता है न्यूट्रिएंट्स मिलता है और यही पोषक तत्व जो होते हैं वो सिंप्लीफाई करते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अभी इस एडवांटेज को हम लोग देखते हैं मैन्यूर आर बल्की विथ लो न्यूट्रिएंट कंटेंट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ मैन्यूर रिलीज थ्रूली हाई एंड रैपिड डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट बाय इंप्रूव्ड हाई यील्डिंग हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स। डिसएडवांटेज क्या होता है कि बुल्की के द्वारा जीव जंतुओं के द्वारा ये मैन्यूर तैयार किए जाते हैं
और इनका डिमांड बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, हाई यार्डिंग क्रॉप के लिए, वैरायटी जो हाइब्रिड क्रॉस के रूप में जाने जाते हैं, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग बुल्की एंड वोल्यूमिनस दे आर इनकन्वीनियंट टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये जीव जंतुओं के द्वारा जो खाद तैयार किए जाते हैं, ज्यादा अमाउंट में होने के कारण इनको हैंडलिंग करना और ट्रांसपोर्टिंग करना टॉलरेबल नहीं होता है, टफ होता है। मोरिवर ए मैन्यूर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड हेंस इट इज नॉट मच यूजफुल व्हेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द सॉइल फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है कि ज्यादा अमाउंट में एक जगह कलेक्ट होने के कारण एक खास पौधों में या फसल में इनको सप्लाई करना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। मैन्यूर को हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल के रूप में, जो काउ डंग के रूप में या वेफर डंग के रूप में होते हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के द्वारा इनको प्रिपेयर किया जाता है खेतों में। फर्टिलाइजर क्या, फर्टिलाइजर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री मैन मेड, सो इट इज नोन एज द आर्टिफिशियल। ये फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल के रूप में भी जानते हैं। ए मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्यूर के अंदर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत अधिक संख्या में होते हैं, जिसे हम लोग ह्यूमस के रूप में भी जानते हैं, जो प्लांट को ग्रो करने में या सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर के अंदर में ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैन्यूर एक्ट स्लोली, मैन्यूर धीरे धीरे वर्क करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। फर्टिलाइजर एक्ट वेरी क्विकली, लेकिन फर्टिलाइजर का यूज हम लोग सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन के रूप में करते हैं, तो ये बहुत तेजी से फास्टली फ्लावर का, फ्रूट का, सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ए मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक एन पी के। मैन्योर के अंदर में जो आवश्यक तत्व के रूप में होते हैं, ए मीन्स नाइट्रोजन, पी मीन्स फास्फोरस, के मीन्स पोटासियम, इसको फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स के रूप में जानते हैं, ये थोड़ा लैक होती है, नहीं होता है। लेकिन फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक एन पी के। फर्टिलाइजर के का यूज जो किया जाता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये मैन्यूर जो होते हैं वो चीपर होता है, फर्टिलाइजर कॉस्टली होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं फर्टिलाइजर का, क्योंकि मैन्यूर का एडवांटेज मैंने यहाँ पर मेंशन किया, एक्सप्लेन किया, डिसएडवांटेज बताया। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर के बारे में देखिए, डिसएडवांटेज क्या है, दे डोंट प्रोवाइड ह्यूमस, दे चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर एंड मेक इट प्रोन टू द इरोजन। डिसएडवांटेज फर्टिलाइजर क्या होता है कि इसके अंदर ह्यूमस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो सॉइल के बीच में ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होता है और इरिशन होता है, मिट्टियां जो है हवा के प्रभाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर जाते हैं। ओवर यूज कैन हार्म सॉइल फर्टिलिटी बाय मेकिंग इट टू एसिडिक और अल्कलाइन। अगर ज्यादा अमाउंट में खेतों में हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर का ओवर यूज करने के कारण सॉइल फर्टिलिटी डैमेज होता है, मींस पॉइजनस हो जाते हैं, टॉक्सिन होते हैं, और जो क्रॉप प्रोडक्शन हमारा प्राप्त होता है, जिसको यूज करने के बाद अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। एक्युमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन वाटर बॉडीज कॉजेज यूट्रोफिकेशन। ये फर्टिलाइजर जब ज्यादा अमाउंट में खेतों में यूज किए जाते हैं, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है, और इसी प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट।